ये प्रश्न किया, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान जो है हमारा अन्नदाता है। सभी कहते हैं और सरकारें भी कहती हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, सभी मंत्रीगण यही परिभाषा देते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है। लेकिन जो आज किसानों के साथ दुर्दशा हो रही है, इसको लेकर मैं भी बड़ा अचंभित हूँ, हैरान हूँ, क्योंकि अन्नदाता जो हमारा सड़कों के ऊपर है, उनको अपनी मांगों के लिए सड़कों के ऊपर जो है रातें गुजारनी पड़ रही है, कड़कती सर्दी है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। आज हमने देखा कि पीछे जो इन्होंने MSP का जो मुद्दा है, जो हमारे पीछे यहाँ मक्की की फसल हुई, पिछले साल मक्की की फसल जो हमारी थी 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी, लेकिन इस बार जो इन्होंने नया कानून, कृषि कानून जो 3 बिल पास किए, उसकी वजह से जो है 1200 और 1300 रुपये भी मक्की का रेट जो है नहीं मिला। किसानों को जो है बहुत घाटा हुआ, और जो बड़े बड़े किसान हैं जिनकी 500 बीघे ज़मीन है, उनको करोड़ों रुपये का घाटा हुआ। जो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो 50 बीघा है, 100 बीघा है, उनको भी जो लाखों रुपये का जो घाटा हो रहा है। आज किसानों के साथ जो है बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश से भी जो किसान जो है दिल्ली को कूच करेंगे। जो ये दमनकारी नीति जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र की सरकार जो अपना रही है, ये बहुत गलत है, किसानों के हित में नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या स्टैंडिंग है? कांग्रेस पार्टी जो है उन किसानों का जो है समर्थन करती है, और हमारे तो पहले भी जो हमारे नेतृत्व जो हमारा राष्ट्रीय है, उन्होंने भी कहा है, और प्रदेश के नेता भी जो है वो कह रहे हैं, और आपने देखा हिमाचल के जो कुछ नेते हैं वो भी गए पंजाब के, तो आपने देखा होगा जो राजा बड़िंग MLA है वो भी धरने प्रदर्शन में साथ थे, और भी MLA जो है उनके साथ थे, और हमारे जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जो हमारे किसान हैं, किसानों के साथ है। सर, जैसे कि अभी